प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान चिन्ह किसे कहते हैं, आप लोग इसको जानेंगे, भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के कितने प्रकार हैं आपको यहाँ पर देखेंगे। पहला है पूर्ण विराम, सेकंड दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम, चौथा है दशमांशक चिन्ह, पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह, नेक्स्ट उद्धरण चिन्ह, नेक्स्ट योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और समापन चिन्ह। विराम चिन्ह तो और भी हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस से कुछ इतने ही विराम चिन्ह आते हैं। अभी आपको सिर्फ इतने ही विराम चिन्ह को जानना है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से लगता है, लोग ध्यान से देखेंगे, ये वाक्य पूरा होने पर हम लगाते हैं। कब लगाते हैं वाक्य जब पूरा हो जाता है तब हम इसको लगाते हैं। अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, इसको हम कब और कहां पर लगाते हैं, अल्प एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए लगाते हैं, वाक्यांश को जोड़ने के लिए लगाते हैं, समुच्चय बोधक से पहले लगाते हैं, कथन को स्पष्ट करने के लिए लगाते हैं और संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद लगाते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह इस प्रकार से है, ये वाक्य के बीच में लगाया जाता है और ये पूर्ण विराम से कम समय लेता है। पूर्ण विराम जहां पर बात आधी हो जाती है वहां पर अर्ध विराम लगाया जाता है, जैसे जब वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम और जहां पर वाक्य आधा हो जाता है तो वहां पर अर्ध विराम लगाया जाता है। कल आपको अल्प विराम और अर्ध विराम के विषय में बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के समझाया जाएगा कि आपको इनको अर्धविराम और अर्ध विराम को कैसे अलग करें। फोर्थ आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये संबोधन करने के लिए जैसे हास, घृणा, शोक इत्यादि के विषय में जब हमको ऐसी बातें महसूस होती हैं तब हम इस विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह कही हुई बात को डायरेक्ट रूप में रखने के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं और किसी पवित्र चीजों के लिए, पवित्र ग्रंथ इत्यादि के लिए हम इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, सिंगल और डबल। तो डबल कहाँ पे लगता है, किसी की कही गई बात को डायरेक्ट रूप से लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं और किसी पवित्र ग्रंथ, पवित्र चीजों, विशेष चीजों के लिए गहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। कहने का तात्पर्य उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट है आपका योजक चिन्ह, योजक चिन्ह किसी बात को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, इसका मतलब होता है कि ये जहाँ पर आ जाता है एवं और का अर्थ देता है, किसका किसका और एवं का अर्थ देता है। जैसे कि समाज में आपको बताया गया था दिन के बीच में ये लगा था तो वहां पर और अर्थ दे रहा था। नेक्स्ट है कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह इस तरह
थैंक यू।